अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको चौथा रोजा मुबारक हो। चौथे रोजे की इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई है मेरी, और खास करके आज आपको दुपट्टा लग रहा होगा यमनी स्टाइल, क्योंकि मैं यमनी स्टाइल की कुछ कुकिंग करने वाली हूँ। क्योंकि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो खमीर होता है, जो आटे को फुलाने के लिए, बन बनाने के लिए, और एक खमीरी रोटी बनाने के लिए, तंदूरी रोटी बनाने के लिए खमीर जो होता है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। और यमन में इस तरह की रेसिपीज बहुत बनती है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ खमीर को लेके कुछ स्पेशल, सूरत की, लेकिन रेसिपी सूरत की है। बनाने वाली हूँ मैं यमन स्टाइल में, तैयार होके यमनी टाइप। तो आप सबको हमारी तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से चौथा रोजा मुबारक हो। चौथे रोजे की जो इफ्तारी की शुरुआत है वो मुबारक हो। किधर लगाते है? किधर लगाऊ? तू लगा ना दादी जैसा, तू लगा ना दादी जैसा। मैं लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो, सलाम करो। अरे वाह, मेरी बेटी भी सलाम करती है। अस्सलाम वालेकुम बोलो, सबको पांचवा रोजा मुबारक। बोलो बेटा मुबारक। मम्मी अशी अशु मेरा बेटा, चलो आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से, खास करके मेरे आशु की तरफ से पांचवा रोजा मुबारक। अभी तक तो कुछ तैयारी नहीं है, क्योंकि अभी जोहर पढ़ के बैठे और मैं अपना पर्स साफ कर रही थी, तो मेरी बेटी सब कर रही है उसको उंगली। तो मैंने बोला मेरा दिल से बहुत खुशी हो रही थी देखकर, तो बोली आपको भी दिखा दूं। तो आप सबको पांचवा रोजा मुबारक।